जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जिस घड़ी का हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, काफ़ी मशक्कत करने के बाद साथियों एक गुड न्यूज़ आपके समक्ष आ चुकी है और आप लोग फ्रंट पेज पर ही देख पा रहे होंगे। और सबसे फर्स्ट और सबसे पहले आपको यह अपडेट समाधान स्टडी के ऑफिशियल चैनल से मिल रही है गाइस। और मैं आकाश आपका बिल्कुल स्वागत करता हूँ समाधान स्टडी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जो आपको हर समय ऑफिशियल जानकारी और जो है मोटिवेशन और आपके लिए बहुत शानदार जो है चीजें लाता है। तो आप लोग देख लीजिए, ANM के लिए मैंने आपको वीडियो पहले भी बना दिया था, वीडियो आपको अभी भी मिला था और आज आपके समक्ष ऑफिशियली जानकारी आ चुकी है गाइस। और यह वीडियो उन सभी मेरे चलिए माताओं बहनों के लिए है जो काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे थे, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियो है गाइस, चाहे ANM से जानकारी, चाहे PNST, चाहे नीट या ऑफिशियली नर्सिंग की जितनी भी जानकारी आपको ऑफिशियली समाधान स्टडी के चैनल पर ही मिलने वाली है। तो मेरे समक्ष आइए, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलूंगा। आज ही ये DHS का नोटिस आया है और यह गुड न्यूज आप सभी साथियों के लिए है। तो वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, उन बच्चों तक शेयर करिए जो जिन्होंने आज भी छोड़ दिया था कि काउंसलिंग होगी होगी होगी, और आज इसका नोटिस आपके समक्ष आ चुका है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मुझे भी गाइस बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। देखिए बच्चों, मैं आ चुका हूँ DHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप लोग खुद ही जाकर इसे चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया है, मैं गाइस हर दिन जिस दिन मैंने चेक किया गाइस, कभी ऐसा नहीं होता था बट मैंने चेक किया अभी भी आपके समक्ष। तो देखिए मैं DHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑन हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए 2020-21 ANM काउंसलिंग, और मैं आपका क्लिक करूँगा किस पर, काउंसलिंग पर। तो बच्चा देखिएगा 30 अगस्त से 4 सेप्टेम्बर तक आपकी रजिस्ट्रेशन डेट प्रारंभ हो चुकी है और आज की डेट देखिए। और बच्चा ये अभी अपडेट आपके समक्ष चाहिए, 4 दिन ही 5 दिन इन्होंने दिया है गाइस। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चा वेट भी कर रहा है और इन्होंने दिन भी हमारे पास कम दिया है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अन्य जानकारी पर क्लिक करूँगा और ये दोनों रूल बुक आपके समक्ष है, ANM काउंसलिंग 2021 दो रूल बुक है। तो मैं आपको पहले शेड्यूल दिखाऊंगा, ठीक है बच्चा, कब इसका अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये सारा शेड्यूल आपके समक्ष है। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूं और मैंने जो है ऊपर आपका कितनी सीटें हैं ये सारा का सारा भी आपको इस वीडियो के बताऊंगा। और आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलते रहेंगे कि हम लोग कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कहां पर अच्छी सीटें हैं, कहां पर अच्छी फैसिलिटीज है, यह सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए अभी यह क्या है, क्लिक हो नहीं रहा है क्या? चलिए बच्चा, मैं हमने रूल बुक डाउनलोड किया है, मैं रूल बुक आपको बताऊंगा। और बच्चा बिल्कुल आप लोग को पेशेंस रखना है, ये देखिए आप लोग देख लिए, मैंने अभी ही डाउनलोड किया आपके समक्ष। तो सिंपली इस पर मैं क्लिक करता हूँ और बच्चा आप लोग ध्यान यह भी रखिएगा कि जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा, हड़बड़ाहट कोई भी नहीं करेगा, वेट करे, पेशेंस करे। देखिए क्या लिखा है आपके समक्ष, लिखा है कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित ANM प्रशिक्षण केंद्र 2020-21 के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली। हमारे 1.5 साल हो चुके हैं और 1.5 साल बाद मामा को हमारी याद आई, एटलीस्ट याद तो आई है क्योंकि अभी जो है आपके चुनाव होने वाले हैं। तो ये सारा कुछ गाइस आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, तो ये हमें धुंधला ही यहां पर दिया हुआ है। ये सारा कुछ आपका जो है SC ST कितनी सीट है, ये सारा कुछ आपको एक नए वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या सावधानियां रखना है। मैं आपको पहले लेके चलता हूं, आप लोग भूल भी चुके होंगे कि आपकी सीटें कितनी है सर जी, पहले मैं आपको सीटें का विवरण दिखा दूं। तो सीटें की बात करें तो EWS यहां पर दो थी, एक तो आशा कार्यकर्ता वाली सीटें थी और एक खुली, जो आपका सिलेक्शन होगा अगर आप लोग आशा कार्यकर्ता है तो आप लोग खुली सीट पर भर्ती होगी, अगर आप लोग फ्रेशर है तो आपको फ्रेशर सीट पर होगी। तो देखिए EWS की सीटें की बात करें तो ऑलमोस्ट उनकी 26 सीटें, अनारक्षित सीटें 70 है, अगर बात करें ST की सीटें तो 52 ST की सीटें हैं, अगर SC की बात करें तो 42, और आपका OBC की बात करें तो 70 इनकी सीटें हैं।
अब ओपन कैटेगरी की आप लोग सीटी देख लीजिए, जो अगर आशा कार्यकर्ता, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई बच्चे का आशा कार्यकर्ता में हो चुका होगा और वो आशा कार्यकर्ता में नहीं होंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप लोग को ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें जो है वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो भी आशा कार्यकर्ता में अगर गलती से भी फॉर्म को फिल किया होगा तो वो बच्चा काउंसलिंग ना करवाए। अब देखिए यहाँ पर टोटल सीट की बात करूँ तो 260 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 260 हमारे पास अवेलेबल थी। अब देखिए यहां पर आगे आते क्या है और कुछ जानकारी, ये देखिए बच्चा आपके लिए 9 ट्रेनिंग सेंटर है। कितने ट्रेनिंग सेंटर है सर जी? आपको धुंधला दिख रहा होगा गाइस, तो ये रूल बुक धुंधला ही मेरे पास आया है और आपके समक्ष भी मैंने डाउनलोड किया है। तो जिसमें बैतूल है, सीओर है, धार है, बुरहानपुर है, शिवपुरी है, मंडला है, शहडोल है, पन्ना है, अशोकनगर है। 30, 30, 30 और 20 और 30, 30 और 40 अशोकनगर में कितनी 40 है। ऑलमोस्ट जो है हर ट्रेनिंग सेंटर ऑलमोस्ट जो है एएनएम का, जैसे एएनएम का हुआ था प्रोसेस वैसे ही आपका, सॉरी, जैसे पीएनएसटी का प्रोसेस हुआ था वैसे एएनएम का भी प्रोसेस होने वाला है। ऑलमोस्ट इन्होंने 10 ट्रेनिंग सेंटर दिए और आपके समक्ष देखिएगा ये सारा का सारा बायोडाटा मैंने यहाँ पर रिख दिया है। अनारक्षित सीटें, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, ये सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल रहा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम ध्यान रखिएगा, समाधान स्टडी, जिसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है बच्चा, समाधान स्टडी, इस जो है ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। आते हैं जरा आगे, देखिए सर ये पूरा दिया है इन्होंने नियम की जो है आपका प्रशिक्षण कितने माह का होगा। तो बच्चा 2 वर्ष का आपका प्रशिक्षण होगा, जिसमें आपका 8 महीने तो आपको ट्रेनिंग दी जाए, सॉरी 18 महीने तो ट्रेनिंग जाएगी और इंटर्नशिप आपकी 6 माह की होगी। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण, ये सब कुछ नियम गाइस मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ गाइस, बता नहीं पाऊंगा कि आपको इस खुशी का इजहार कैसे कर पाऊँ। तो ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप अभी तो आप बहुत 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 खुश होइएगा, क्योंकि हर वक्त मेरे पास इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए कीजिए कीजिए। देखिएगा ये सारा कुछ आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा गाइस, ये सारा रूल बुक आपके समक्ष है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये तो वीडियो आपके लिए सिर्फ यही जानकारी के लिए है कि आप लोगों का शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है। अब ये देखिए ये रूल बुक शायद डाउनलोड नहीं हो पा रही है, पर आपको 4 तारीख तक इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक, चलिए ये भी डाउनलोड हो चुका है, शेड्यूल भी डाउनलोड हो चुका है। मैं शेड्यूल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है बच्चा, तो ये देखिए आपके समक्ष जो है शेड्यूल आ चुका है आपका जो है 30 से लेकर 4 सितंबर 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग करना है, अलॉटमेंट लेटर 10 सितंबर को आएगा और आप एडमिशन 13 से लेकर 17 तक कर सकते हैं। और आई होप जो है सेकेंड राउंड आए या ना आए, अगर सीट बची रहती है तो आपका सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होगा। तो आइए गाइस, अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो अपने नीचे रिव्यू और एक लाइक तो जरूर बनती है। सारा अब जो है जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जय हिंद। इसी तरीके से मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, मैं हमेशा आपके लिए प्रयत्न करता हूँ कि आपका जो भी पेंडिंग काम हो जरूर पूरा हो। जय हिंद और वंदे मातरम।